नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी बॉन्ड पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। वैसे तो भाई एमसीक्यू में मार्क्स लाने के लिए ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी बुक को बहुत ही डीपली पढ़े, आप अच्छे से रीड करें, आपको एमसीक्यू में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए चैप्टर की वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये जो चैप्टर है कुल मिला के आपको ना 5 पार्ट्स में मैंने प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, एनिमेशन के थ्रू सारी चीज़ें आपको समझाई गई है और बहुत ही आसान और सरल भाषा में। शायद ही ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं मिलने वाली है, तो भाई आप लोग चैप्टर की वीडियो को देख ले। आप चाहे किसी भी बोर्ड से, आप यूपी बोर्ड से, आप बिहार बोर्ड से, आप झारखंड बोर्ड से, आप हरियाणा बोर्ड से है, आप या फिर आरबीएससी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, कहीं से भी है, आप सभी के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहने वाला है। आप सभी इस वीडियो का यूज़ करके अपने चैप्टर को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सम्राट अशोक ने अपने शासन के कितने वर्ष पूरे करने के बाद कलिंग पर विजय हासिल किया। कलिंग आपको पता है, कलिंग यानी कि इस समय का उड़ीसा। अब देखो, मौर्य शासकों ने क्या किया था, अपने साम्राज्य जो भारत का ज़्यादातर एरिया है उस पर उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, लेकिन कलिंग एक ऐसा राज्य बच गया था, एक ऐसा जगह बच गया था जिस पर ना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने और ना ही चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे जिनका नाम था बिंदुसार, वो भी इस कलिंग पर जीत हासिल नहीं कर पाए थे, लेकिन अशोक ने कलिंग को जीता था। और कितने वर्ष बाद, मतलब अपने शासन के कितने वर्ष बाद उसने कलिंग को जीता था? 4 ऑप्शन दे रखा है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 8 वर्ष बाद। तो देखिए, जो सम्राट अशोक जो थे वो शासन मतलब संभाले थे, जो राजा बने थे, उसका अगर हम डेट की बात करें तो लगभग 270 ईसा पूर्व माना जाता है। 270, कई जगह 71 भी लिखा गया है, कई जगह 72 भी लिखा गया है, लगभग 270 ईसा पूर्व में वो सम्राट बने थे। ठीक है, और उसके लगभग 8 साल बाद कलिंग का युद्ध हुआ था, यानी कि लगभग 262, ठीक है, 262 ईसा पूर्व में ये कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग पर विजय उन्होंने प्राप्त किया था, यानी कि लगभग 8 वर्ष बाद। और आपको पता है ईसा पूर्व जो होता है घटते क्रम में होता है, इसीलिए मैंने 262 ईसा पूर्व आपको बताया। तो 8 वर्ष बाद उन्होंने क्या किया था, कलिंग पर विजय हासिल किया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, देवनाप्रिय उपाधि किसके लिए प्रयोग किया गया। देखिए, देवनाप्रिय क्या है, एक उपाधि है जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, जो देवताओं का प्रिय हो उसको हम बोलते हैं देवनाप्रिय। अब ये देवनाप्रिय एक उपाधि थी, आपको पता है कि पुराने समय में, प्राचीन काल में, राजा महाराजा अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए अपने नाम के आगे बहुत सारी उपाधियाँ लगाते थे, अपना नाम मतलब ज़्यादा बेहतर दिखाने के चक्कर में। तो ये देवनाप्रिय भी एक उपाधि थी, किसने प्रयोग किया था? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, सम्राट अशोक ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस उपाधि का इस्तेमाल किया था सम्राट अशोक ने। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या है, सही उत्तर है। उसके बाद है, पाटलिपुत्र का विकास किस गांव से हुआ है? तो देखिए, पाटलिपुत्र की अगर हम विकास की बात करें तो पाटलिपुत्र का जो विकास है वो पाटलीग्राम नामक गांव से हुआ है। किस गांव से हुआ है? पाटलीग्राम। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन देख लेते। चौथा क्वेश्चन है, मनुस्मृति की रचना कब की गई थी? देखिए, मनुस्मृति भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। विधि ग्रंथ यानी कि जिसमें सारे नियम कायदे कानून लिखे हुए हैं और इसके माध्यम से प्राचीन समय में समाज को चलाया जाता था। इसकी रचना की थी मनु ने। ठीक है, किसने की? मनु। मनु एक ऋषि हुए, ठीक है, उन्होंने इसकी रचना की थी। और इसकी रचना कब की थी, तो मतलब रचना का जो समय काल माना जाता है वो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी दे रखा है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी, आपका क्या है, सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक के पश्चिम उत्तर भारत से मिले अभिलेख किस भाषा में लिखी गई थी? पश्चिमोत्तर भारत यानी कि उस समय की बात करें तो उस समय पश्चिम उत्तर भारत अगर आप देखें तो जैसे अपना अपना ये वाला इंडिया वाला पार्ट है ना, इधर की बात करें तो ये अपना इंडिया का पार्ट है, इधर आपको पता है पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान, ये पश्चिम उत्तर भारत था उस समय के लिए मौर्य शासकों के लिए। ठीक है, तो इस यहाँ से जो भी अभिलेख अपने को मिले हो किस भाषा में लिखे हुए मिले, आरामेइक, यूनानी, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, क्योंकि जितने भी अभिलेख अपने को मिले हैं पश्चिम उत्तर भारत से वो आरामेइक और यूनानी लिपि में लिखे गए थे, मतलब भाषा में लिखे गए थे, और इसकी लिपि जो थी वो खरोष्टी थी, है ना, खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिका की रचना किसने की है? इंडिका एक पुस्तक है ना, इसकी रचना किसने की है? कौटिल्य ने, चाणक्य ने, मैक्सनीज ने या फिर विष्णुगुप्त ने? तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आप मेरे को कमेंट में बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको कमेंट में बताना है।
उसके बाद एक कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या था? जो कौटिल्य थे, कौटिल्य को चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी हम जानते हैं, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम क्या है? इंडिका, मेघदूत, अर्थशास्त्र या फिर राजनीतिक शास्त्र। तो बुक का नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या है? सही है। उसके बाद है मगध की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी मगध की राजधानी? राजगाह, पाटलिपुत्र, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहले तो भाई राजगाह, राजगाह को राजगीर भी हम बोलते हैं, राजगृह भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहली राजधानी तो ये थी 400 ईसा पूर्व के आसपास, यानी कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता है, राजधानी को बदला जाता है। और राजधानी को कहाँ पर स्थापित किया जाता है? पाटलिपुत्र में, यानी कि दोनों ही राजधानी थी मगध की, ठीक है। तो उत्तर क्या सही होगा हमारा? ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे भी क्या है? सही उत्तर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, गण और संघ नामक महाजनपदों पर शासन था। जो गण और संघ नामक जो महाजनपद थे, यानी कि जो राज्य थे, उस पर किसका शासन हुआ करता था? तो गण और संघ पे जो शासन होता था वो कई लोगों के समूह का शासन हुआ करता था, है ना, समूह शासन चलता था, ओलिगार्की जिसको हम बोलते हैं, उसका शासन था यहाँ पे, ठीक है। दसवां क्वेश्चन है, भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध का संबंध किससे था? राजतंत्र से था, अल्पतंत्र से था, गणों से था, या इनमें से कोई नहीं। तो भगवान महावीर तथा बुद्ध का संबंध किससे था? इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट में बताएं। अगर आप लोगों को नहीं मालूम हुआ मैं पिन कर दूंगा, ठीक है, मैं आंसर आपको बता के पिन डाल दूंगा, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। तो कमेंट, अगर आपको आंसर नहीं पता हुआ तो आप कमेंट जरूर एक बार चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद सबसे प्राचीन अभिलेख निम्न भाषा में लिखे जाते थे, सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो देखिए लिपि अलग होता है, भाषा अलग होता है ना। लिपि जो होता है वो लिखने का माध्यम, और भाषा जो है वो बोलने का माध्यम है। तो भाषा भी भाई उस समय यूज में तो लाया जाता था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम भाषा की अगर बात करें तो ज़्यादातर प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत भाषा में, ठीक है, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। उसके बाद है धम्म का संदेश निम्न में से किसने दिया? जो धम्म का जो संदेश था, धम्म के जो उपदेश थे वो किसके द्वारा तैयार किए गए थे? ये जो धम्म था वो किसका संदेश था? तो ये था सम्राट अशोक का, है ना। धम्म के संदेश जो किसने दिए थे? सम्राट अशोक ने दिए थे। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है अपना? सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? ठीक है, देखिए प्रयाग क्या है? जगह का नाम है, प्रयागराज जिसको इलाहाबाद भी हम बोलते हैं, है ना, इलाहाबाद पहले बोलते थे। प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति जो कि किसी की प्रशंसा में लिखी जाती है, प्रशंसा करते हुए उसकी उपलब्धियों का गुणगान किया जाएगा, तो वो प्रशस्ति हो गई। अब प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? किसने लिखा था इस प्रशस्ति को? कौटिल्य ने, मैक्सथनिज ने, कालिदास ने या फिर हरिसेन ने? तो भाई इसको लिखा था हरिसेन ने, ठीक है, जो कि समुद्रगुप्त का राजकवि था, और इसमें पूरी तरीके से समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। किसकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया? इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा था? सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ की हम बात करें तो सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ ऊपर ही मैंने आपको बता दिया था, मनुस्मृति, ठीक है, ऑप्शन बी आप देखेंगे यहाँ पे सही है। मनुस्मृति को भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ माना जाता है, और इसके माध्यम से प्राचीन समय काल में अपने देश को चलाया जाता था। नियम, कायदे, कानून सारे इसी में लिखे हुए थे, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रभावती गुप्त निम्न में से किसकी पुत्री थी? तो प्रभावती गुप्त किसकी भाई बेटी थी, किसकी पुत्री थी? समुद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त द्वितीय की, चंद्रगुप्त मौर्य की या फिर चंद्रगुप्त प्रथम की? देखिए प्रभावती गुप्त जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, महिला होते हुए भी भूमि दान किया था, और इसका जो विवाह संबंध है वो वाकाटक वंश के साथ हुआ था। एक मिनट लिख देता हूँ मैं, वाकाटक, ठीक है, वाकाटक वंश का राजा था, रुद्रसेन नाम था उसका, ठीक है, रुद्रसेन सेकंड के साथ इसका विवाह संबंध हुआ था, और रुद्रसेन की मतलब मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो उसके बाद ये भूमिदान वगैरह करती है, थोड़ा शासन वगैरह व्यवस्था भी संभालती है, ठीक है। तो प्रभावती गुप्त के बारे में समझ लिया हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र, मुद्रा राक्षस, मुद्रण या फिर उपरोक्त सभी? तो सिक्कों का अध्ययन हम जो जो विद्वान करते हैं या सिक्कों का अध्ययन हम जिस तरीके से करते हैं उसको हम मुद्रा शास्त्र बोलते हैं, और सिक्कों का अध्ययन करने वाले लोगों को मुद्रा शास्त्री बोलते हैं। अब मुद्रा शास्त्र में क्या होता है कि भाई सिक्कों पे जो निशान है, जो शब्द लिखे गए हैं, उसका अध्ययन किया जाता है मुद्रा शास्त्रियों द्वारा, ठीक है। तो सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है, ऑप्शन ए क्या है सही है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेरिपल्स का अर्थ बताइए। देखिए पेरिपल्स जो है ये यूनानी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है समुद्री यात्रा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, सही उत्तर है समुद्री यात्रा। ऑप्शन मतलब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्यापारियों और उत्पादकों के संघ को डैश कहा जाता है। तो व्यापारियों और उत्पादकों के संघ को कहा जाता है श्रेणी। ठीक है, क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो श्रेणी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जो कि सामान को खरीदते हैं, बेचने का काम करते हैं, वो श्रेणी कहलाते हैं। उसके बाद है हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। तो देखिए हर्षवर्धन की बात करें तो यूपी से, यूपी में जगह है कन्नौज, कन्नौज का राजा था हर्षवर्धन। ठीक है, कन्नौज उसकी साम्राज्य की राजधानी थी, कन्नौज का राजा था। तो हर्षवर्धन के बारे में आप ये बता देंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, तांबे के सिक्के किन राज्यों ने मतलब राजाओं ने बनवाए। तांबे के सिक्के कौन से राजाओं ने ढलवाए थे, मौर्य ने, योधे ने, कुषाण ने या फिर गुप्त ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट में बताना है और कोशिश करना है कि भाई आप ज़रूर से ज़रूर बताएं। ठीक है, मैं इसलिए आपसे कमेंट में पूछ रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट इस वीडियो में बना रहे। आप लोग थोड़ा कमेंट करेंगे, चीज़ें आपको ज़्यादा याद होंगी, है ना। तो ये 20 MCQ आप लोगों के लिए लेके आया था। अब देखो ये नहीं है कि भाई इसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे सारे, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि भाई पूरा NCERT बुक को आपको रीड करना होगा MCQ में नंबर लेने के लिए। चाहे बॉक्स दे रखे हैं, NCERT के मेन लाइन दे रखे हैं, सबको पढ़े आप। ठीक है, ये तरीका आप अपनाएंगे, 20 में से 20 जो भी 20 नंबर के आएंगे या 30 नंबर का आएगा, जितना भी आएगा, पूरे नंबर आपको MCQ में मिल जाने हैं। ठीक है, ये तरीका आप लोग जरूर फॉलो करें। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।